मुंबई में HDFC बैंक की फोर्थ ब्रांच के बाहर बैंक ने 3 इंच की कीलें लगा दी हैं। ये कीलें इसलिए लगाई गई हैं ताकि कोई बैंक के बाहर बैठ या सो ना सके। सोशल मीडिया पर बैंक के बाहर लगाई गई कीलों की तस्वीर वायरल हो रही है और इसके बाद बैंक ने माना कि कीलें लगाना काफी असंवेदनशील हरकत है। 3 इंच लंबी कीलों की वजह से आने जाने वाले लोगों को भी चोट लग सकती है, ये खतरा बना हुआ है। बैंक ने वादा किया है कि कीले हटा लेगा। BMC का कहना है कि कीले लगाना गैर कानूनी नहीं है क्योंकि ये फुटपाथ पर नहीं लगाई गई हैं, लेकिन वो बैंक को नोटिस भेजेंगे क्योंकि इस तरह की कीले लगवाने के लिए उन्होंने किसी तरह की इजाजत नहीं ली है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक कुछ वेंडर्स इस जगह पर चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कुछ देर के लिए बैठ जाया करते थे, आराम करते थे, और इसी को देखते हुए बैंक ने बाहर कीले लगवा दी ताकि वेंडर्स वहां बैठ ना सके। अब सवाल यह है कि सड़क पर रहने वाले अगर रात में वहां सो भी जाते हैं तो बैंक का क्या नुकसान है? कैसी मानसिकता है ये कि आपने कीले ही लगवा दी? मुंबई के फोर्ट इलाके में HDFC बैंक के सामने नुकीलो कीले का जाली लगाया गया है। साफ तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नुकीला किला कितना खतरनाक है, लोगों के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। आपको बता दें कि कई बेघर लोग जो अपना रात का गुजारा करने के लिए कोई बैंकों के सामने, दुकानों के सामने जो अपना रात गुजारते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, इसी कारणों से यह बैंकों के सामने ना सोए, इसलिए सुरक्षा बैंक वालों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये नुकीला कीलों का जाली लगा दिया गया है। लेकिन यह जाली इतना खतरनाक है कि यह किसी भी आदमी को घायल कर सकती है, इसलिए यह स्थानीय लोग जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने इसकी कार्रवाई करने के लिए, इसे हटाने के लिए मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो नुकीला है ये कितना खतरनाक है, इस लोगों को कितना हानिकारक, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बैंक वालों ने इसको अपनी सुरक्षा को देखते हुए लगाया था, लोगों की सुरक्षा को, ना कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आसपास के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो यहाँ पर अपने लोग हानि का को हानि न पहुँचे, इसलिए ये हटाने की मांग की है। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसको अभी हटाया नहीं गया है। कैमरामैन अमरदीन के साथ विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। विनय की रिपोर्ट हमने देखी, आइए सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। विनय, ये देखने में ही बहुत कटीले लग रहे हैं और जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पर बैठे, धोखे से भी कोई गिर सकता है इसके ऊपर, किसी को चोट लग सकती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, आपको ये दिखा दे, ये जो बैंक है, ये बैंक के बाहर जो नुकीला है ये कितना खतरनाक है, साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे कोई धोखे से भी बैठ सकता है, कितना हानिकारक है ये, साफ तौर पर यहाँ पे 7 दिन का वक्त नंगता गुजर चुका है, लेकिन अब तक इस पर बैंक ने किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आसपास के जो लोगों ने उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, पर लेकिन अब तक इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं है। लोग इस पर धोखे से बैठ सकते हैं या फिर जो लोग रात में आराम करते हैं, मुंबई की जो आबादी है, आबादी को देखते हुए भी साफ तौर पे कई लोग ऐसे जो बेघर है, अगर हम बेघरों की बात करें और जो आम लोग भी हैं वो भी थके हारे आते हैं दुकानों के बाहर या फिर ऐसे बैंकों के बाहर बैठते हैं, उनके लिए भी ये काफी खतरनाक है। इस पे बैंक ने जरूर कहा था कि हम इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन इसको हटा देंगे, लेकिन अब तक इसको हटाया नहीं गया है। साफ तौर पर 7 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इसी पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है और आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रात में यहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं, जो बेघर लोग हैं। बिल्कुल विनय, ये बताइए रूल्स क्या कहते हैं? जैसा कि BMC ने कहा कि गैर कानूनी तो नहीं है ये, लेकिन परमिशन लेनी होगी, रूल्स क्या कहते हैं? जी देखिए, अब ये लगाना गैर कानूनी नहीं है साफ तौर पर निंदा, लेकिन जो लोग हैं मुंबई कर हैं, जिनके पास घर रहने के लिए घर नहीं है, उठने बैठने के लिए कोई जगह नहीं, या फिर जो थके हारे यहाँ पर कई बाहर बैठते हैं, आराम करते हैं, हवाएं लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर बैंक वालों को नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन बैंक का कहना है कि अभी हाल ही में रिपेयरिंग का बैंक का काम हुआ था, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा ये कदम उठाया था। इस पर लोगों ने आपत्ति दिखाई थी, लेकिन अब तक बैंक ने इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको हटा लेंगे, लेकिन अब तक नहीं हटाया है। BMC ने इस पे साफ तौर पे कहा था कि ये कोई भी गैर कानूनी ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनके अपना प्रॉपर्टी है साफ तौर पर,
लेकिन ये इससे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनका। हाँ विनय, लेकिन इस अपनी, जैसे आपने बोला कि अपनी प्रॉपर्टी है, गैर कानूनी नहीं है, तो क्या इसके लिए भी परमिशन लेनी होती है? इस तरह का अगर चबूतरा कोई बना हो शॉप के बाहर, उसके ऊपर कुछ करने के लिए क्या परमिशन लेनी होती है? इसके क्या रूल्स हैं? जी देखिए, इसके लिए इस जो काम है इसके लिए साफ तौर पर परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन बैंक की तरफ से अब तक इस पर कोई भी उस तरीके का नहीं आया। साफ तौर पर दिखा दूँ अपने कैमरे के जरिए, ये देखती आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकती हैं ये कितना बड़ा और कितने दूरी में ये लगाया गया है। अब तक बैंक की तरफ से इस पर किसी भी तरह की रिप्लाई नहीं आई है कि उन्होंने परमिशन ली थी ये किला लगाने के लिए कि नहीं। हालाँकि रिपेयरिंग का जो काम है, काम तो करवा लिया गया है, अब उनके तरफ से भी अभी तक किसी भी तरह की कोई भी सामने नहीं आया है। बैंक के कोई भी कर्मचारी ने नहीं बताया कि हमने इस पर परमिशन ली है या नहीं ली है, लेकिन एक साफ तौर पर नहीं था। ये 7 दिन का जो है वक्त वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी आवाज़ भी उठाना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी गई है। साफ तौर पर जो यहाँ पर लोग हैं, हम बिल्कुल यहाँ हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि रूल्स एक तरफ है, लेकिन मानवीय तौर पर भी ये जो किया है बैंक ने, ये बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ अगर लोग बैठ भी जाते हैं तो बैंक को क्या दिक्कत है, ये सवाल है हमारा। और अगर दिक्कत है भी तो क्या कुछ ऐसा कदम उनकी तरफ से उठाया जाना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, ये बड़ा सवाल है।